नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं शेखावाटी की झलक। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 25 नवंबर को मतदान हो चुका है। आज 7 दिन मतदान को बीत चुके और कल 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। यानी जनता ने जो प्रत्याशियों की किस्मत पेटियों में कैद की थी वो कल बाहर आने वाली है। और हमने चुनाव के दौरान आपको शेखावाटी की विभिन्न सीटों पर जाकर वहाँ के हालात दिखाए थे। आज हम आपको एक एक सीटों के चुनावी गणित, चुनाव में क्या मुद्दे रहे, किस तरीके की बात रही, वो सारी बातें समझाने का प्रयास करेंगे। इसी संदर्भ में आज हम झुंझुनू जिले की सीट की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं झुंझुनू विधानसभा सीट की। झुंझुनू विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। यहाँ पर भाजपा का कमल केवल 2 बार खेलने में सफल रहा है। एक बार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह यहाँ से भाजपा की टिकट पर चुनाव जीती है, तो एक उपचुनाव में डॉक्टर मूल सिंह यहाँ से चुनाव जीत पाए हैं। बाकी या कहूँ ये कांग्रेस या ओला परिवार का गढ़ रहा है। इस बार का चुनाव की बात करें तो इस बार के चुनाव में हालात वही थे, किरदार वही थे जो 2018 के चुनाव में थे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे बरजेंद्र ओला और 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे बरजेंद्र ओला। 2018 में भाजपा के प्रत्याशी थे राजेंद्र भामू और भाजपा के बागी थे बबलू चौधरी, तो 2023 के चुनाव में भी वही किरदार थे, भाजपा के प्रत्याशी थे बबलू चौधरी और भाजपा के बागी थे राजेंद्र भामू। अब बात करें झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की, तो जैसे ही भाजपा ने अपना पहली सूची में बबलू चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया, उसके साथ ही कांग्रेस ने बृजेंद्र ओला को प्रत्याशी घोषित किया, और उसके बाद जैसे ही राजेंद्र भामू ने भाजपा से बगावत की तो आमजन में ये चर्चाएं थी कि बृजेंद्र ओला आराम से चुनाव जीत गए हैं और एक अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, आमतौर पर देखा जाता है कि निर्दलीय प्रत्याशी अपने चुनाव को इतना कवरअप नहीं कर पाता, उसको इतना मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, लेकिन राजेंद्र भामू ने अपने चुनाव को अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया। इसके साथ ही भाजपा में बगावत थी और किसी पार्टी में बगावत होने के बाद बगावत पार्टी का प्रत्याशी भी अपने चुनाव को संभाल नहीं पाता है। लेकिन ये कहूँ कि बबलू चौधरी ने भी अपने चुनाव को अच्छे से संभाला और कहीं ना कहीं चुनाव में बढ़त बनाते हुए नजर आए। उसके बाद जैसे ही भाजपा के शीर्ष नेता कहूँ या देश के प्रधानमंत्री कहूँ, नरेंद्र मोदी की भी यहाँ पर सभा हुई, उसके बाद भी एक अच्छा माहौल यहाँ के चुनाव में बना और अंत समय में ऐसा आया कि पता नहीं कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन यहाँ का एक गणित ये होता है कि झुंझुनू विधानसभा की बात करूँ तो 60-65 हज़ार मुस्लिम मतदाता इस विधानसभा क्षेत्र में है। उन मुस्लिम मतदाताओं की अगर हम 60-70% पोलिंग माने तो ये मानता हूँ कि 40-45 हज़ार पोलिंग हुई है। और इस बार ये माना जा रहा है कि वो 40-45 हज़ार पोलिंग इतरफी कांग्रेस की तरफ मतदान करती है। लेकिन इस बार लोगों की चर्चाएं हैं, जिस तरीके का समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र भामू को मिला था उसमें मुस्लिम समुदाय निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र भामू के साथ में नजर आया था। इसमें मैं कहूँ कि पूर्व में चुनाव लड़ चुके या एक बड़े समाज सेवी के रूप में सलीम चौहान, जो मुस्लिम समुदाय में बड़ा नाम रखते हैं, वो भी साथ थे। नगर परिषद क्षेत्र के कई पार्षद, कहूँ कई बार के पार्षद रहे भी उनके साथ थे। तो जिस तरीके का माहौल है उसे लगता है कि वो मुस्लिम समुदाय में एक अच्छी सेंध लगाने में कामयाब रहे। इसके साथ ही कहूँ कि शहर का जो मूल भाजपा मानी जाती है वैश्य वर्ग, ब्राह्मण बनिया वर्ग, उसमें भी अच्छा मतदान उन्होंने भाजपा से हट करके निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र भामू के पक्ष में किया। और ग्रामीण इलाकों में माना जाता है कि जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उन कांग्रेस के गढ़ में भी ग्रामीण इलाकों में भी तीनों प्रत्याशी, भाजपा के बबलू चौधरी, कांग्रेस के बृजेंद्र ओला और निर्दलीय राजेंद्र भामू, कहीं ना कहीं टक्कर में नजर आ रहे हैं। किसी गांव से कांग्रेस आ गया तो कहीं भाजपा आ गया तो कहीं निर्दलीय राजेंद्र भामू आ गए, ये कहूँ तो एवरेज बराबर सा वहाँ से आ रहा है। और जो नगर पालिका क्षेत्र है दोनों, बगड़ नगर पालिका और झुंझुनू नगर परिषद क्षेत्र, झुंझुनू नगर परिषद क्षेत्र में जो मुस्लिम मतदाता है उसमें भी राजेंद्र भामू ने सेंध लगाई है, लेकिन फिर भी एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में है। इसके साथ ही जो भाजपा का वोट बैंक है उसमें भी राजेंद्र भामू ने अच्छी सेंध लगाई है। इसके साथ ही बगड़ नगर पालिका की बात करूँ तो बगड़ नगर पालिका एक तरफी भाजपा की तरफ नजर आती है हर चुनाव में, लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं वहाँ भी राजेंद्र भामू सेंध लगाने में कामयाब हुए हैं। तो इन पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद, चुनाव होने के बाद में जिस तरीके का गुणा भाग राजनीति के जानकार लोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, कोई कह रहा 10 हज़ार 12 हज़ार से राजेंद्र भामू चुनाव जीत रहा है, कोई कह रहा 10-15 हज़ार से
ब्रजेंद्र ओला चुनाव जीत रहा है, कोई कह रहा है दोनों के बीच से बबलू चौधरी चुनाव जीत रहा है, लेकिन जिस तरीके का जितना इतने दिन जैसे 7 दिन बीत गए, 7 दिन में हमने कोई आपके सामने कोई वीडियो नहीं रखा, ये इसलिए नहीं रखा क्योंकि लोगों से जानने के प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके का समीकरण, किस तरीके की वोटिंग हुई है। लेकिन इसमें हमारे ये समझ में आया कि राजेंद्र भामू और ब्रजेंद्र ओड़ा के बीच बड़ा नज़दीकी चुनाव होने की संभावना है इस बार। इस बार मार्जिन 5000 के आसपास, 5000 से कम ही रहने की संभावना झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में, और इसमें लगता है कि मुस्लिम समुदाय जिस तरीके से राजेंद्र भामू के साथ नजर आ रहा था, अगर उसी अनुपात में अगर उन्होंने वोटिंग की है तो कहीं ना कहीं राजेंद्र भामू चुनाव निकाल सकते हैं। लेकिन लोग मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय अधिकतर वोट कांग्रेस की तरफ करता है, अगर उन्होंने वही अपनी बात कायम रखी है, उन्होंने कांग्रेस की तरफ मतदान किया, तो फिर उसी नज़दीकी मामले में ब्रजेंद्र ओला चुनाव निकाल सकते हैं। बाकी कल जब मतगणना होगी और मतपेटियों की बाहर किस्मत बाहर आएगी तब पता चलेगा कौन होता है। आपका क्या विचार है वीडियो पर कमेंट कर जरूर बताइए।